दोस्तों ये वीडियो मेरे जो जितने भी शिक्षार्थी रहे हैं उनके लिए नहीं है इन सर्विस टीचर के लिए नहीं है ये वीडियो एन के लिए है और ये रिक्वेस्ट मैं एन से इस वीडियो के माध्यम से करना चाहता हूँ कुछ क्वेरीज़ को लेकर कुछ बात को लेकर और मैं ये संज्ञान में देना चाहता हूँ क्योंकि काफ़ी ईमेल्स और काफ़ी अलग अलग सोर्सेज से करने के बाद भी हमारे साथ बहुत सारी प्रॉब्लम है हमारे बहुत सारे लर्नर्स की या आप कहिए कि इन सर्विस टीचर की या बहुत सारे स्टूडेंट जिन्होंने एन से डिग्री हासिल करने के लिए अपने 10, ट्वेल्थ या डी के लिए किया है तो कुछ क्वेरीज़ मैं यहाँ पर दे रहा हूँ अलग अलग तरह के आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप इन सभी चीज़ों को देखें और इसे आप भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जो भी इस पूरे वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही सेंसिटिव है मैं कुछ क्वेरीज़ बच्चों के यहाँ पर सबसे पहले ले रहा हूँ जैसे कि आप देखते हैं कि एक स्टूडेंट का या एक ये की शिक्षार्थी का शिक्षक का ये कमेंट है कि सर दो साल एन ने किया और अब दो साल यदि लगता है मार्कशीट पाने में आ एज चले जा रहा है एज नहीं रहा है मार्कशीट लेकर क्या होगा बहुत बड़ा क्वेश्चन है जिस पर एन आपको जवाब देना होगा और आपको बताना होगा कि जब इतनी ज़्यादा डिले एक छोटी छोटी चीज़ों में हो रही है हम लोग जब भी अलग अलग सोर्सेज से पता चलते हैं तो पता करते हैं तो ठीक है हम मानते हैं कि हर चीज़ के सिस्टम में टाइम लगता है लेकिन इतना टाइम कि बच्चे का कैरियर चौपट हो जाए टीचर का कैरियर चौपट हो जाए तो आखिरकार क्या करेंगे ऐसे सर्टिफिकेट को लेकर जब आप इतनी ज़्यादा जो है टाइम ले रहे हैं एक एक छोटे छोटे चीज़ों के लिए हम लोग भी कभी कभी परेशान हो जाते हैं और जब देखते हैं तो आंखों में आंसू आ जाते हैं स्टूडेंट्स के या शिक्षार्थी के करियर के को लेकर क्योंकि ये सिर्फ बच्चे नहीं हैं इनका अपना घर भी चलने वाला है और आपका रिजल्ट बहुत मायने रखता है एक और क्वेरी है जो देखिए काफ़ी सेंसिटिव क्वेरी है है कि सरावर स्टडी सेंटर मिस मिस ये मैम को बोल रहे हैं हैज गिवन ऑल रॉन्ग फेक डॉक्यूमेंट इन माय एडमिशन इन एनायस अब देख लीजिए आई पास क्लास टेंथ इन 2021 हजार इक्कीस टू फ्रॉम एनायस एंड नाउ आई विल बी गिविंग क्लास ट्वेल्थ एग्जाम तो इन्होंने दस दो में टेंथ पास किया और अब ये ट्वेल्थ का एग्जाम देंगे इन अक्टूबर दो ऑल सब्जेक्ट मिस हैज प्रोवाइडेड द रोंग सर्टिफिकेट इन क्लास ट्वेल्थ एडमिशन आई पेड फुल मनी फॉर ओ बी सी बट सी मेड मी फेक सर्टिफिकेट ऑफ एस तो इन्होंने ओ का सर्टिफिकेट दिया और इनको एस का सर्टिफिकेट बना के दिया गया सी हैड माई क्लास टेन पास सर्टिफिकेट ऑफ दो हजार बट सी मेड अ फेक सर्टिफिकेट ऑफ दो तो इनको दो हजार में इन्होंने किया है लेकिन इनको जो है 2020 का फेक सर्टिफिकेट दिया गया वी मस्ट हैव वन ईयर गैप बिटवीन क्लास टेंथ एंड क्लास ट्वेल्थ वट आई डू इफ थिंग्स इफ़ इफ दिस गोज़ ऑन सी विल रून ऑल द अपकमिंग स्टूडेंट लाइफ टू प्लीज़ हेल्प स्टूडेंट की प्रॉब्लम को समझिए देखिए इनको टेंथ का सर्टिफिकेट में उल्टी पुल्टी चीज़ें करके दी गई जिससे इनको आगे ट्वेल्थ में प्रॉब्लम हो रही है और ऐसा अगर बाकी बच्चों के साथ होगा इतने सारे बच्चों के साथ तो क्या होगा इस प्रॉब्लम को समझना होगा एन को एन के जो भी अधिकारी इस वीडियो को देख रहे हैं आप सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि ऑब्वियसली आप सभी लोग तक भी हम लोग लगातार ई से पहुँच रहे हैं अलग अलग माध्यम से पहुँच रहे हैं कृपया बच्चों के इन चीज़ों को कब संज्ञान लेंगे क्या लेंगे हाँ आप ये कह सकते हैं कि टोल फ्री नंबर है या अलग अलग कांटेक्ट है उस पर कांटेक्ट करिए फोन नहीं लगता है बच्चों का हम लोगों को थोड़े बहुत सोर्सेस हैं हम लोग को चीज़ें पता चल जाती है बच्चे का फोन नहीं लगता है ई का रिप्लाई नहीं आता है अभी तो शुरुआत है देखिए नेक्स्ट यहाँ पर बच्चे का जो है मैं डी सेशन दो हज़ार में पास किया हूँ मेरे नाम नॉर्मली करेक्शन नेम में एक नॉर्मल करेक्शन है करेक्शन के लिए चार सात दो हज़ार बाईस को अपने रीजनल सेंटर पटना में अप्लीकेशन सबमिट किया हूँ जिसके लिए बोला भी गया था मुझे पता है दो मंथ से ज़्यादा हो गए कैसे पता करें कि नाम में सुधार हुआ कि नहीं इसके लिए एक वीडियो बनाइए इस पर जब मैंने पता किया था तो पता चला था कि जिस सोर्सेज से जो है इनका करेक्शन के लिए गया है उसी सोर्सेज से वापस आएगा लेकिन कब दो मंथ हो गए मतलब करियर भी तो जा रहा है ना अब क्या एक तीन चार साल पाँच साल इसी में लग जाएगा तो फिर आगे नौकरी कब करेंगे कमाएंगे कब नेक्स्ट देखिए सर मेरा मैं ओरिजिनल सर्टिफिकेट जमा की हूँ ललित भवन एनाएस बोर्ड ऑफिस पटना में ये भी नेम करेक्शन का है उन लोगों ने ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हैं जबकि बिहार में सेवन्थ फेज में हम लोग बहाली से रह जाएंगे अब बताइए कौन जवाब देगा अगर ये इस बच्चे का मीरा देवी का सेवंथ फेज में सिर्फ इसलिए रह जाएगा कि आपने करेक्शन करके उनका सर्टिफिकेट नहीं दिया तो कौन इसके लिए जिम्मेदार होगा इस चीज़ को कितनी सेंसिटिविटी के साथ लेना चाहिए ये देखिए एक क्वेरी देखिए ये बहुत ज़्यादा आ रहा है जितना भी जितना भी सब्जेक्ट ये टू क्लियर इन प्रैक्टिकल और थ्योरी इत्यादि जो मिस्टेक बाय स्टडी सेंटर और बाय द जो भी टीम आपके अंदर की है क्योंकि इनका मार्क्स है इन्होंने देखा भी है क्या सोल्यूशन होगा बताना पड़ेगा और यहाँ पर एस वाई सी के बारे में तो हमें पर्टिकुलरली अभी कोई खास अपडेट नहीं मिल रहा है एन आई एस को ये बात का जवाब देना पड़ेगा अब देख लीजिए सर मेरा भी स्टडी सेंटर चेंज हो गया फिर मैंने 2017-19 के कोऑर्डिनेटर से बात की उन्होंने प्रैक्टिकल को जो नंबर चढ़ाए उनका जो है प्रतिलिपि सील और सिग्नेचर के साथ मुझे व्हाट्सएप पर सेंड की और बोला कि तुम्हारा नंबर मैंने चढ़ा दिया है पर रिजल्ट में पाँच सौ ग्यारह में अब शो हो रहा है जबकि मेरा नंबर चौरासी नंबर प्रैक्टिकल में है तो इस प्रकार की डिस्क्रिपेंसी जब सेंटर चेंज होता है कोऑर्डिनेटर चेंज होता है तो फिर आ जाती है ये तो हो गया वही जो वोटर आई कार्ड बनता था कभी नाम मिस्टेक फोटो मिस्टेक इसका पति का नाम उसमें उसका ये का नाम इसमें कैसे बच्चे का कैरियर चलेगा मुझे ये समझ नहीं आ रहा है यहाँ देखिए सर मेरा प्रैक्टिकल मार्क्स अभी तक नहीं हुआ है क्या करूँ प्लीज़ रिप्लाई मेरे पास मार्क्स है मतलब इनको मार्क्स मिला है अब देखिए प्रैक्टिकल मार्क्स वही एस टाइप का प्रॉब्लम क्या करेंगे कहाँ से मतलब ये आगे बढ़ेंगे बताइए नेक्स्ट देखिए सर मेरा 2019 से ही फील्ड में कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन अभी तक मार्कशीट नहीं मिला है और सर्टिफिकेट भी नहीं मिला स्टडी सेंटर में फ़ोन करके पूछता हूँ तो बोलता है कि नहीं आया है क्या करूँ सर कौन जवाब देगा स्टडी सेंटर बोल रहा है नहीं आया है और नोडल uh, सेंटर बोलता है स्टडी सेंटर पर बात करो उसके भी कमेंट्स हैं मेरे पास अब देखिए सर मेरा नेम करेक्शन के लिए अप्लाई किया था कितना दिन में होगा बहुत सारे बच्चों का नेम करेक्शन का प्रॉब्लम है जो मेजर चीज़ें हैं उस पर जल्दी संज्ञान लेना चाहिए देखिए उस पर एक और बच्चे ने हेट्सअप किया है कि मेरा भी नेम करेक्शन होना था और स्टडी सेंटर से जो है नोएडा की ईमेल आईडी पर सेंड भी किया गया था और उसने स्क्रीनशॉट लेकर 450 डिमांड ड्राफ्ट जो पेमेंट है वो अप्लीकेशन भी सहित पोस्ट किया था लेकिन अभी तक उस पर कोई अपडेट नहीं है देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आई पास डी एग्जाम इन दो हज़ार आई हैव पासड एन ऑनलाइन सर्टिफिकेट बट हाउ बट नाउ इट इज़ शोइंग एस वाई सी टी

चौबीस घंटे के अंदर के कमेंट निकाले और आप देख लीजिए उसमें से भी मैंने जो एक तरह के थे उसको हटा के और छाट छाट के निकाले तो इतनी अलग अलग टाइप की प्रॉब्लम है एन के मेरे सभी सम्मानित अधिकारीगण क्या हो रहा है आप समझ रहे हैं बच्चे का कैरियर कैसा हो रहा है आप लोग बहुत रिगार्डफुल लोग हैं बहुत बड़े हैं हम लोग कुछ नहीं है उसके सामने में कोई भी चीज जानकारी मिलती है हम बच्चों तक बस पहुंचाने की कोशिश करते हैं मैं एक टीचर हूं और टीचर होने के नाते बच्चों को पढ़ाया हूं तो मेरी संवेदनाएं उनके साथ है क्या होगा इन बच्चों का आप बताइए एक एक करके कोई भी प्रॉब्लम को आप देखिए सब अलग अलग तरह की प्रॉब्लम है और इसमें एक चीज जो सबसे खास बात है कुछ प्रॉब्लम तो नज़रअंदाज करने के कारण हुई है जस्ट एक फोकस नहीं करने के कारण हुई है जो स्टडी सेंटर या नोडल सेंटर रीजनल जिनके कारण से हुई हो लेकिन बहुत सारी प्रॉब्लम तो उनकी लापरवाही के कारण हुई है जिसकी वजह से बच्चे का कितने बच्चे का एरियर का प्रॉब्लम आ रहा है जो सर्टिफिकेट लेट होगा एरियर कब से मिलेगा इस पर कोई अभी तक अपडेट नहीं है मैं लेने की कोशिश कर रहा हूँ और ये जितने भी आपने अलग अलग प्रॉब्लम को देखा इसका सोल्यूशन बताना होगा जितने भी मैंने यहाँ पर आप देख लीजिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन मैंने टेन यहाँ पर चीज़ें बताई है जिसमें कि दो तीन नेम करेक्शन का और बाकी सब अलग अलग चीज़ें इन सभी चीज़ों पर एन से मैं चाहता हूँ कि आप जवाब दें और इसके लिए मैं ईमेल भी करूँगा और इस वीडियो को मैं अपने सभी सभी शिक्षार्थी और शिक्षक गणों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए ये बस दस या सात आठ प्रॉब्लम हैं ऐसे और भी बहुत प्रॉब्लम हैं इन प्रॉब्लम को नोट आउट किया जाए और इसकी क्या इस पर आपकी टिप्पणी है इस पर क्या अपडेट है इसको वेबसाइट पर अपडेट किया जाए और जितने भी बच्चों के प्रॉब्लम हैं अभी उनको संज्ञान में लिया जाए एटलीस्ट बच्चे को ये पता चले कि हाँ आप उस पर काम कर रहे हैं कोई अपडेट नहीं है कहाँ से आएगा क्या होगा नहीं होगा तो ऐसा नहीं चलेगा क्योंकि बच्चों के करियर का सवाल है 2017 से इन चीज़ों पर हम देख रहे हैं बात कर रहे हैं 2019 में कोर्स खत्म हो गया अभी तक उनका जीवन क्या आगे चलेगा कोई पता नहीं है तो दिस इज़ नॉट लाइक यू नो कि समथिंग कि हम बस ऐसे ही चलते रहने देंगे दिस इज अबाउट द कैरियर उनके बच्चे हैं परिवार हैं नौकरी करेंगे पैसा कमाएंगे खाएंगे तब जिंदगी चल पाएगा सो प्लीज़ डू दिस इसमें से बहुत सारी चीज़ें हैं बच्चों आप लोग को मतलब आप लोग मेरे बच्चे हैं स्टूडेंट हैं शिक्षक हैं जो भी है आप लोग को पता होगा छोटी छोटी चीज़ों पर जानकारी लेने के लिए कितनी मशक्कत करनी पड़ती है फिर भी हम कोशिश करते हैं जिधर से इधर उधर कोई कोई कोऑर्डिनेटर से बात हो गई कहीं पर ऑफिस में कहीं से बात हो गई लेकिन बच्चों की उतनी पहुंच नहीं है इवन हम लोग अपने हिसाब से कोशिश करते हैं बच्चों को मदद करने की लेकिन हम लोग भी उस लेवल का मदद नहीं कर पा रहे बिकॉज वी आर नॉट इन द सिस्टम तो मैं समझ सकता हूं कि बहुत सारे आप लोग के पास लाइवलिटीज है चीज़ें हैं लेकिन सबसे बड़ा बच्चे का कैरियर है तो ये डिस्टेंस एजुकेशन एक वरदान बोल के आया है तो इसको वरदान ही रहा दिया जाए अभिशाप ना बनाया जाए यही मेरा रिक्वेस्ट है जल्द से जल्द इन सभी चीज़ों पर संज्ञान लिया जाए और इसका उपाय बताया जाए मैं खुद भी अपने ईमेल में रिप्लाई चाहूंगा इन सभी चीज़ों के लिए और अलग अलग तरह से बच्चे को भी ये अपडेट मिलनी चाहिए हो सके तो डी की जो वेबसाइट है या जो एन की वेबसाइट है वहां पर जितने भी अलग अलग प्रॉब्लम्स बच्चों ने रेज की है आप लोगों के पास भी रेज की होगी ये आप देख लीजिए कमेंट्स में हर दिन हजारों प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उन सभी प्रॉब्लम का कोई एक कॉलम बनाइए उसमें क्या स्टेटस है वो दीजिए और एक एक करके सारा चीज रिजॉल्व करिए मैं मानता हूं एक दिन में नहीं हो सकता है लेकिन थोड़ा सा प्रोसेस को ठीक करना पड़ेगा एक मार्कशीट से सर्टिफिकेट आने तक में दो तीन महीने चार महीने का टाइम लगता है यहां पर सी बी एस ई दो तीन दिन में चीजें करती है तो थोड़ा हमें देखना पड़ेगा कि वेयर वी आर लैकिंग हमको मैं समझ रहा हूँ कि बुरा लगेगा एनायश क्योंकि ये एक यूट्यूब का एक बंदा जो है हमें नियम पढ़ा रहा है लेकिन मैं कोई नियम नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं बस प्रॉब्लम्स बता रहा हूँ और प्रॉब्लम का सोल्यूसन आपको ही करना पड़ेगा हम सर्टिफिकेट बना के नहीं दे सकते हैं थैंक यू वेरी मच बच्चों इस वीडियो को स्टूडेंट्स टीचर्स जो भी हैं सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और भी अगर आपकी कोई प्रॉब्लम्स है वो ज़रूर बताइए ताकि इस वीडियो पर एनायश अपना संज्ञान दिखा सके या जो भी और माध्यम है क्योंकि मैं ये सारी चीज़ें ईमेल करने वाला हूँ तो जो भी और माध्यम है उस चीज़ों से जो है इसका सोल्यूशन निकले थैंक यू वेरी मच